जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। यहाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मतलब उस कागजात से है जो आपको कोरोना वैक्सीन दिए जाने के बाद मिलता है। ये हार्ड या सॉफ्ट दोनों कॉपी के रूप में हो सकता है। वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद इसे आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ये सही नहीं है। इसे सोशल मीडिया पर शेयर न करने की सलाह दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय के साइबर अवेयरनेस ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय इस अवेयरनेस ट्विटर हैंडल को साइबर दोस्त के नाम से चलाता है। एक ट्वीट में साइबर दोस्त ने लिखा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति का नाम और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी लिखी होती है। अगर आप सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर डालते हैं तो आपकी संवेदनशील जानकारी चोरी होने का डर होता है। इसके साथ ये भी कहा है कि दूसरी डोज लगने पर ही अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी कॉल आने पर निजी डेटा या OTP शेयर कभी ना करें। वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी फेक मैसेज या लिंक आगे ना फॉरवर्ड करें। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे तुरंत इस बारे में जागरूक करें। गौरतलब है कि वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी की कई खबरें सामने आ रही हैं। लोगों से उनकी जानकारी मांगी जाती है, उस आधार पर बैंक अकाउंट भी खाली कर दिए जाते हैं। अपराधी फोन पर बात करते हैं और खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर दूसरी डोज लगवाने की बात कहकर व्यक्ति की पहले से बताई निजी जानकारियां उसे बताते हैं और इस तरह अपना यकीन बनाकर उनसे OTP या अन्य दूसरी निजी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वहीं इस मामले पर जालंधर के साइबर क्राइम SP रवि कुमार ने बताया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में कई लोगों ने प्रूफ के तौर पर अपना पैन कार्ड जैसा संवेदनशील दस्तावेज दिया है। इससे साइबर ठगों के पास फाइनेंशियल डेटा चला जाता है जिससे वो फाइनेंशियल लॉस पहुंचाते हैं। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।